फ्रेंड्स, मैं अवनीश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डीके कॉलेज जुमराव। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे जो कहते हैं डाइकॉट लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। व्हेन वी सी द डाइकॉट लीफ, इट इज फाउंड दैट डाइकॉट लीफ्स आर डॉर्सिवेंट्रल और बाइफेशियल। इसको डॉर्सिवेंट्रल या बाइफेशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपर सरफेस जो होता है वो सनलाइट को फेस करता है तथा लोअर सरफेस होता है इट इज द अवे फ्रॉम सन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डार्सिवेंट्रल सरफेस और बाइफेशियल सरफेस। व्हेन वी कट द सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ वी सी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द सेक्शन। सबसे ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल दोनों सर्फेस पे पाया जाता है, अपर सर्फेस पे और लोअर सर्फेस पे। उसके बाद जस्ट क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है एपिडर्मल सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। यानी क्यूटिकल और एपिडर्मिस दोनों सर्फेस पे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन सेल्स को कहते हैं पैलिसेड पैनकाइमा। पैलिसेड पैनकाइमा के नीचे पाया जाता है राउंड स्पॉन्जी सेल, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है स्पॉन्जी पैनकाइमा। यानी पैलिसेड पैनकाइमा और स्पॉन्जी पैनकाइमा दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है सेल्स ऑफ मेसोफिलिया, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। इन बिटवीन द सेक्शन वी सी द बंडल सेल दैट सराउंड द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम्स आर फाउंड एट अपर टुवर्ड्स अपर सरफेस, अपर सरफेस इज ऑल्सो नोन एज एडेक्सियल सरफेस, व्हाइल फ्लोएम इज फाउंड टुवर्ड्स द लोअर सरफेस दैट इज ऑल्सो नोन एज एबेक्सियल सरफेस। एट द लोअर सरफेस वी सी दैट स्टोमेटा आर फाउंड। इन डाइकॉट लीफ स्टोमेटा आर ओनली हाइपोस्टोमेटिक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डाइकॉट लीफ। हम लोग देख रहे हैं कि क्यूटिकल जो होता है दोनों सर्फेस पे पाया जाता है, लेकिन अपर सर्फेस का जो क्यूटिकल होता है लोअर सर्फेस के कंपेरिजन में थिक होता है, मोटा होता है। इसका अगर रीजन पूछा जाए तो आप बताएंगे कि डाइकॉट लीफ का अपर सर्फेस होता है वो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए अपर सर्फेस पे क्यूटिकल का लेयर जो होता है वो मोटा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि डाइकॉट के लीफ मोस्टली हाइपोस्टोमेटिक में होती है। स्टोमेटा निचले सर्फेस पे क्यों पाया जाता है? फिर सेम रीजन है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट अपर सर्फेस पे गिरता है इसलिए ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो, इसलिए मैक्सिमम जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सर्फेस पे पाए जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम इसके वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल जो होता है डाइकॉट लीफ में कंजॉइंट होता है, कोलैटरल होता है और क्लोज्ड होता है। जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कंजॉइंट कहते हैं जब जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पर हो, कोलैटरल कहते हैं जब फ्लोएम बाहर की तरफ हो यानी इंट्रावेनस की तरफ हो, और क्लोज करते हैं जब इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। दिस इज द होल स्ट्रक्चर अबाउट द डाइकॉट लीफ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ, फिर हम दोनों लीफ में कंपेयर करेंगे डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ, देन वी विल बी मोर क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दैट इज द मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें जिससे आपको नए नए लेक्चर मिलते रहें और दूसरे लोगों को भी फायदा होता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।